यार सुन, बहुत टाइम नहीं हो गया भाव खाए हुए रेसिपी दिखाने से पहले। यार मेरे को ना भाव नहीं खाना, मेरे को पिज्जा खाना है। मैं मंगा रही हूँ पिज्जा। हाँ? अभी यार मेरे को भूख नहीं है। अभी 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 तो हमने लंच किया था। यार मेरा बहुत मन है यार, मेरे को पिज्जा खाना है। मैं बहुत मन है, मैं मंगा रही हूँ। नहीं नहीं तेरे को अकेले को मन है ना, जाके बना ले किचन में। मंगा क्यों रही है यार? बनाऊँ मतलब यार कितना टाइम लग जाएगा यार, वो डो वो राइस वो ये सारे। यार नहीं मैं मंगा लेती हूँ यार। तो मतलब तेको अकेले को खाना है? हाँ। और तू चाहती है कि जल्दी भी बने? हाँ। तो क्यों ना हम इसको भी मग में बनाएं? अब हम इसको भी मग में बनाएंगे? यस गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं पिज्जा इन अ मग। इसका क्रस्ट बहुत सॉफ्ट होगा और इसकी फिलिंग बहुत ही चीजी और डिलिशियस होगी। आपको ये पिज्जा रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसके इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सो डू चेक इट आउट। मग पिज्जा बनाने के लिए हम एक माइक्रोवेव सेफ मग लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे मैदा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, नमक स्वाद अनुसार, ओरिगैनो या ड्राइड हर्ब्स, और हम इसको फोर्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में हम डालेंगे गार्लिक बटर, दूध। दूध और गार्लिक बटर के मिक्सचर से हमारी बैटर में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। उस पर अब हम डाल देंगे हमारा पिज्जा सॉस। मार्केट में कोई सा भी पिज्जा या पास्ता सॉस अवेलेबल होता है, हमने यहाँ पे फन फूड्स का पिज्जा सॉस यूज किया है। एक स्पून से हम इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे हमारे बैटर के टॉप पे। अब हम डालेंगे एक जेनरस लेयर ऑफ चीज़। हमने यहाँ पे मोज़रेला ग्रेटेड चीज़ यूज़ किया है। आप यहाँ पे चीज़ स्लाइसेस भी डाल सकते हो, पर मोज़रेला चीज़ से वो जो चीज़ पुल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम अपने मनपसंद वेजीज़ डालेंगे। हमने यहाँ पे गार्निश किए हैं टमेटोज, कैप्सिकम और अनियन। आप यहाँ पे कॉर्न भी डाल सकते हो, आपके हिसाब से आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, एंड दैट्स इट। हमारा मग पिज्जा रेडी है। अब हम इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। हम इसको माइक्रोवेव में हाईएस्ट टेम्परेचर पे कुक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा चीज बबल हो रहा है। जब ये होने लगेगा तब हमारा पिज्जा डन हो चुका होगा। तो अब हम उसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा कूल होने रखेंगे। ये पिज्जा बहुत ही ज्यादा टेस्टी है गाइस। इट विल टेस्ट एक्चुअली लाइक दी ओरिजिनल डोमिनोज पिज्जा। हम इस पिज्जा की बहुत सारी फोटोज इंस्टाग्राम पे डालेंगे, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये मग पिज्जा रेसिपी कैसी लगी, एंड एंजॉय योर मग पिज्जा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप ये मग रेसिपी घर पे जरूर बनाओगे। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारा चैनल रिसेंटली 3000 सब्सक्राइबर्स हिट किया है। सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइस हैव बीन गिविंग अस। इफ यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम देन यू मस्ट बी अवेयर, हमने वहाँ पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें हमने अनाउंस किया था दैट वी आर गोना अनाउंस समथिंग रियली बिग व्हेन वी हिट अ 5000 सब्सक्राइबर्स। सो हेल्प अस ग्रो टू दैट नंबर रियली सून। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, वी आर ट्राइंग कि हम हर हफ्ते 3 वीडियोस पोस्ट करें। सो इट रियली हेल्प्स व्हेन यू लाइक द वीडियो, यू कमेंट ऑन इट, एंड आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करते हो। सो कीप डूइंग दैट एंड हेल्प अस ग्रो। इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस मग रेसिपी एंड यू वॉन्ट टू वॉच मोर सच मग रेसिपीज, तो हमारे चैनल पे एक मग रेसिपी का प्लेलिस्ट है, सो गो चेक दैट आउट। We will be soon coming up with a really creative and a nice video for Independence Day. So stay tuned for that. And that's it for today, guys. We'll see you next time. Bye. Bye.